पब्लिक टीवी आपकी आवाज। अखिल भारतीय वैश्य फाउंडेशन महिला शाखा द्वारा जिला महिला शाखा की जिला कार्यकारिणी की गरिमाइय शपथ समारोह आयोजित हो रहा है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अवनीश कृष्ण सिंह जिला अधिकारी आईएएस जिला संबल, यमुना प्रसाद जिला पुलिस निरीक्षक आईपीएस जिला संबल रहे। कार्यक्रम को स्मृति युक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय समर्पित देश की जल थल वायु सेना के सैनिकों का सम्मान समारोह रखा गया है, जिसमें तीन प्रकार का विशेष सम्मान प्रदान किया जाएगा। मातृशक्ति राष्ट्र शक्ति सम्मान, देश की रक्षा करते हुए जो वीर सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए उनका पूर्ण स्मरण करते हुए उनको पूजनीय परिवार की माता बहन पत्नी बेटी को ये सम्मान प्रदान किया जाएगा। देश की सरहद पर राष्ट्र की रक्षा करने गए वे सैनिक जिनकी सेवा आयु पूर्ण होने के पश्चात घर लौटे हैं, ऐसे वीर सैनिकों को उनके समय दान के लिए राष्ट्रीय सेवा सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। वर्तमान परिदृश्य में देश की सीमाओं पर देश की रक्षा का संकल्प लिए कार्य कर रहे वीर सैनिकों को राष्ट्रीय रक्षक गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। इस आयोजन के अंतर्गत राष्ट्रीय भक्ति के जन जागरण के उद्देश्य से राष्ट्रीय और सैनिकों को समर्पित सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, जिसमें प्रसिद्ध गायिका प्रीति दत्ता लखनऊ, प्रसून मिश्रा चंदोसी द्वारा देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति होगी। नगर चंदोसी के प्रतिभावान गिटार वादक अर्पित सिंह द्वारा गिटार से देशभक्ति के स्वर निकलेंगे। गायन एवं वादन के क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए उन्हें स्वर साधक सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। देश में प्रसिद्ध एवं प्रतिष्ठित लवकुश डांस एकेडमी की प्रतिभान छात्राओं द्वारा राष्ट्र और सैनिकों को समर्पित नृत्य होंगे। नृत्य की इस विद्या के लिए इन्हें नटराज नृत्य सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से राष्ट्रीय समाज जन जागरण के लिए आमंत्रित प्रसिद्ध राष्ट्रीय कवि नरेंद्र अटल, मध्य प्रदेश अपनी वीर रस की कविताओं से राष्ट्रीय वंदना एवं सैनिकों के शौर्य पराक्रम एवं बलिदान पर कविताएं सुनाएंगे। संस्था उन्हें राष्ट्रीय जागरण के लिए काव्य गौरव सम्मान से सम्मानित करेगी। इस आयोजन में अखिल भारतीय वैश्य फाउंडेशन महिला शाखा द्वारा प्रतीक चिन्ह सम्मान पत्र द्वारा सम्मानित किया जाएगा। उक्त भव्य कार्यक्रम की जानकारी अखिल भारतीय वैश्य फाउंडेशन की जिला अध्यक्ष डॉक्टर कविता गुप्ता द्वारा पत्रकार वार्ता में दी गयी। देखिए, वैसे तो ये हमारी अखिल भारतीय वैश्य फेडरेशन की महिला शाखा का इंस्टॉलेशन सेरेमनी है, लेकिन क्योंकि हमने ये सोचा कि हर बार केवल इंस्टॉलेशन सेरेमनी जो होती हैं अभी तक मैं देखती आई थी अपने नगर में, तो मुझे लगा कि हम लोग इंस्टॉलेशन सेरेमनी कर रहे हैं कुछ डिफरेंट तरीके से करें। तो क्योंकि पुलवामा अटैक हुआ था अभी, तो मैं बहुत व्यथित थी, मेरा हृदय बहुत दुखी था और बराबर मेरे मन में ये आ रहा था कि हमें इन सैनिकों के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि ये हम लोगों के लिए इतना सब करते हैं, रक्षा करते हैं हमारी और अपनी जान दे देते हैं। तो मैंने सोचा कि एक सैनिकों के सम्मान के लिए भी कोई कार्यक्रम आयोजित करूं, तो ये इंस्टॉलेशन सेरेमनी मैं कर रही थी तो इन्हीं सैनिकों के सम्मान का मेरे मन में आया। और वैसे भी एक कवि भी थे हमारे, मैंने फेसबुक पे देखा उनको, तो वो वीर सैनिकों के सम्मान में कविताएं पढ़ रहे थे, तो मैंने कहा मैं इन्हीं को कवि को बुलाऊंगी मध्य प्रदेश से और सैनिक सम्मान ही करूंगी। तो इसमें हम लोगों ने ना जो सेना के तीनों अंग होते हैं, जल सेना वायु सेना और थल सेना, तीनों अंगों से हमने सैनिकों को लिया है और इसको हमने तीन कैटेगरी में रखा है। पहली कैटेगरी उनके लिए रखी है जिनकी जो हमारे वीर सैनिक हैं शहीद हो गए हैं, जिनकी पत्नी और माताएं हैं, तो उनको हमने जो मातृशक्ति और राष्ट्रशक्ति सम्मान देना हम लोगों ने निर्धारित किया है। और दूसरा हमने उन सैनिकों के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया, कुछ लड़ाइयाँ लड़ी और अब वो रिटायर्ड है, तो रिटायर्ड सैनिकों के लिए हमने राष्ट्र सेवा सम्मान कैटेगरी रखी है। और उन लोगों के लिए कुछ वो लोग हैं जो राष्ट्र सेवा का संकल्प लेकर इस समय देश की सेना में भर्ती हैं और हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, और उनके लिए हमने जो रखा है राष्ट्र रक्षक गौरव सम्मान रखा है। इसके अतिरिक्त जो हम लोगों ने एक थीम बनाई थी सैनिक सम्मान की, तो इससे रिलेटेड हम लोग रंगारंग कार्यक्रम रख रहे हैं, गीतों की प्रस्तुति है इसी थीम से रिलेटेड और बच्चों की नृत्य की प्रस्तुति है जो मेरी अकेडमी के बच्चे कर रहे हैं, और इसके अलावा एक कवि हमने मध्य प्रदेश से बुलाए हैं जो सैनिकों के सम्मान में ही सारी कविताएँ पढ़ेंगे।
और इनके लिए भी हम लोगों ने सम्मान रखा है, जैसे जो हमारे गिटारिस्ट होंगे, जो हमारे गायक होंगे, और जो एक गायिका हमारी लखनऊ से आ रही है प्रीति दत्ता जी, उनको हमने उनकी प्रतिभा के अनुसार स्वर साधक सम्मान देना निर्धारित किया है। पारुल रुस्तगी और वैश्य फेडरेशन में महिला शाखा की जिला महामंत्री हूँ, और मुझे बहुत खुशी हो रही है इस पद पर आते हुए, और ये इतना बड़ा जो हम इंस्टॉलेशन के रूप में एक प्रोग्राम आयोजित करने जा रहे हैं संडे को 26 तारीख को, उसमें उसकी तैयारियों में हम लोग आजकल लगे हुए हैं, और उसमें हम सैनिक सम्मान समारोह, जैसा आप लोगों को पता है, भी आयोजित कर रहे हैं। सैनिक हमारी रक्षा के लिए इतना कुछ करती हैं, ये हम लोगों का महिलाओं की तरफ से, फेडरेशन की महिलाओं की तरफ से एक छोटा सा प्रयास है उनको सम्मानित करने का, और मुझे बहुत खुशी हो रही है। नगर अध्यक्ष चंदौसी, हम लोगों ने, क्योंकि ये इंस्टॉलेशन कर रहे हैं और मैं इसमें अध्यक्ष बन रही हूँ, वैश्य फेडरेशन का हमने इसलिए ये चुना है क्योंकि हमारा, अगर आप देखें, देश तो आर्थिक रूप से वैश्यों पर ही टिका हुआ है, जो कि रीढ़ की हड्डी के समान है, और अगर देश में आर्थिक स्थिति सही नहीं होगी तो कुछ नहीं हो सकता। हम इस फेडरेशन पे, हम ये चाहते हैं इसके द्वारा सारे वर्गों को आगे लाएं। इसके साथ साथ हम ये चाहते हैं जो निर्धन बच्चे हैं या जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं आर्थिक स्थिति की वजह से, उनको हम मतलब उनकी हम हेल्प करें, सहयोग करें, प्लस जो हमारे यहाँ के सैनिक हैं उन्हें हम सम्मानित कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो है तो हम सुरक्षित हैं। और चूँकि भगवा कलर या ऑरेंज कलर हम सैनिकों को देंगे, ग्रीन झंडी दिखाते हैं तो हम अपने जितने भी हमारे DM वगैरह जो हमारे अधिकारी आएंगे उनको देंगे, कलाकार सरस्वती के पुजारी हैं उनको सफ़ेद रंग से सम्मानित करेंगे, और जितने हमारे हम इन्वाइटीज़ हैं, चक्र का कलर नेवी ब्लू होता है, उसके द्वारा हम अपने इन्वाइटीज़ को करेंगे।